मैं नहीं मानता मां, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी। 100% दानियाल की साजिश है, उसी ने लगवाई है ये आग। पता नहीं बेटा, दरवाजा लॉक था, अंदर आग लगी हुई थी, कुछ अजीब सा मामला है। तो अल्लाह का शुक्र नसीम वक्त पे पहुंच गई वहां पर, उसने हम सबको इत्तला दे दी, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। ये जो तुम कह रहे हो दानियाल की साजिश होगी, तो क्यों वो ऐसा क्यों करेगा? अगर ऐसा है तो उसने शादी के लिए हामी क्यों भरी? होगा कोई ना कोई प्लान, सोचे समझे बगैर वो कुछ नहीं करता। प्लान? कैसा प्लान? ये तो पता लगा लूंगा मैं। लेकिन एक बात है माँ, बिया खतरे में है, वो किसी भी वक्त उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। वली, तुम कुछ ज्यादा शक नहीं करने लगे हो दानियाल पर? बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये किसी और की चाल हो और दानियाल का इसमें कोई कसूर ही ना। मेरा दिल गलत नहीं कहता माँ। खैर बेटा, जो कुछ भी है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बिया बाल बाल बच गई। शुक्र मालिक, बस हमें तो उसकी जिंदगी से सरोकार है ना। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त हॉस्पिटल में है? कोई दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो फिर कौन है? एनी। एनी? क्यों, क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट। ठीक तो है ना वो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक नहीं है वो माँ, इससे जैसे मुश्किलों ने घेर लिया है मुझे। एनी ठीक नहीं है। किसी तबीयत है भैया की? आपका लाख लाख शुक्र है, बेहतर है। मैं कुछ पता चला ये आग लगी कैसे? नहीं, सब काम वालों से पूछा है मैंने, लेकिन किसी को भी नहीं पता आग कैसे लगी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्यों जाने कौन मेरी बच्ची की खुशियों के पीछे हाथ धो के पड़ गया। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो? ऐसे ना कहें प्लीज आंटी, मैं तो जीते जी मर जाता अगर भैया को कुछ होता। सारी जिंदगी इस गिल्ट में जी ही ना सकता अगर मैं अपनी बिया को खुद लूज कर देता। मुझे लगता है कि मेरी बिया की कोई नेकी काम आ गई कि वो परवीन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना। अच्छा बेटा, आप यहाँ बैठोगे बिया के पास? मैं जरा शुक्राने के नफल। बिल्कुल आप जाइए, मैं बिया के साथ हूँ, तसल्ली रखिए। तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्रिया बेटा। कोई मसला नहीं।